सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माई कैंपी यूनिवर्सिटी चैनल। कैंपी यूनिवर्सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा इम्पल्स रिस्पॉन्स की एनालिसिस की, उसके बाद स्टेप रिस्पॉन्स देखा और वहाँ पर मैंने टाइम कॉन्स्टेंट कैलकुलेट किया था और ये भी बोला था कि जो टाइम कॉन्स्टेंट होता है वो प्राइमरी पैरामीटर होता है, मास्टर पैरामीटर होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। बट इसके अलावा भी हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल पैरामीटर हैं जो प्रैक्टिकल यूज के लिए होते हैं। सो हेडिंग डालिए टाइम रिस्पॉन्स पैरामीटर और स्पेसिफिकेशन, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम ये देख रहे हैं। तो इसमें जो पहला है वो टाइम कॉन्स्टेंट, तो ये तो प्राइमरी ही है मास्टर पैरामीटर। उसके बाद डिले टाइम, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम एंड स्टडी स्टेट एरर, तो ये मुझे इस लेक्चर में पढ़ना है। तो देखिए ये मैंने वही रिस्पांस बनाया है स्टेप रिस्पांस टी के साथ। तो ये टी एस मतलब सेटलिंग टाइम और टी आर मतलब राइज टाइम। तो देखिए यहां पर 10% और यहां पर 90%, तो ये 0.1 और 0.9, तो ये भी आपको समझ में आने वाला है सारा कुछ। तो फर्स्ट तो टाइम कांस्टेंट के बारे में हम कल पढ़े ही थे, तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए टाइम कांस्टेंट। इट इज द टाइम टेकन बाय स्टेप रिस्पांस ऑफ सिस्टम टू रीच 63% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। मैंने जब यहां पर इसी रिस्पांस में एक टेंजेंट प्लॉट किया था तो वो टी और उस टी पर, यहां पर वो टी मिला था, उस कैपिटल टी पर वैल्यू निकाली थी 0.63 आई थी। अब देखिए इधर से इधर आप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ट्रांजिएंट डाइड आउट हो रहा है। जब यहां पर उस कैपिटल टी पर 63% होगा, 63% ट्रांजिएंट डाइड आउट हो चुका होगा या स्टडी स्टेट को 63% अटेन कर लिए होंगे, इसलिए यहां पर है 63% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कितना है 1, और यहां पर आप उस कैपिटल टी पर जब देखोगे तो 0.63 था। आप पिछले किसमें ग्राफ में आप देख सकते हैं 0.63 वहां पर आपको मिलेगा। तो यही है, इट इज द टाइम टेकन बाय स्टेप रिस्पांस ऑफ सिस्टम टू रीच 63% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। तो ये टाइम कॉन्स्टेंट की डिफिनेशन हो गई स्टेप रिस्पॉन्स के केस में। अच्छा सेकेंड लिखिए डिले टाइम, टाइम टेकन बाई स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम टू रीच 50% ऑफ फाइनल वैल्यू। मतलब ध्यान समझिए, यहां पर कहीं डिले टाइम मिलेगा क्योंकि ये राइज टाइम है, ये दो वैल्यू है T1 T2 है, तो यहां पर देखिए कहीं पर डिले टाइम मिलेगा जिसको मैं बोलूंगा TD। तो TD क्या है कि जब आप जब सिस्टम अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने लगेगा तो जीरो से वो समय जहां पर इस फाइनल वैल्यू का 50% पहुंचे, मतलब 0.5 तक जहां पर पहुंचेगा उसको क्या बोलेंगे TD। तो सपोज मान लीजिए यहां पर 0.5 आ रहा है, तो उस समय जो टाइम होगा उसको क्या बोलूंगा TD। तो ये आप लिखने के बाद इसको ऐसे आप बना लीजिएगा। और TR क्या है, इस टाइम और इस टाइम, ये टोटल टाइम है TR, तो इसको अच्छे से बनाइए, कंफ्यूज नहीं होना है। तो डिले टाइम क्या है, टाइम टेकन बाय स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम टू रीच 50% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। 50% ऑफ फाइनल वैल्यू जहां तक पहुंच जाएगा, जीरो से वहां तक का जो समय होगा उसको क्या बोलेंगे TD। तो इस TD को कैलकुलेट करते हैं कितना होगा, तो एट टी इक्वल टू TD CT कितना है 50% ऑफ फाइनल वैल्यू, 50% ऑफ फाइनल वैल्यू कितनी 1, तो 50% ऑफ 1। अब CT के जगह पर CT का एक्सप्रेशन लिख लीजिए, 1 - e^-TD/T इक्वल टू 0.5, 50% ऑफ 1 0.5, और यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो TD आएगा 0.693 इंटू कैपिटल टी। अब देखिए कैपिटल टी यहां पर इन्वॉल्व है, कैपिटल टी के अलावा के बिना आप इसको टीडी को नहीं बता सकते, इसलिए मैंने बोला है कैपिटल टी मास्टर पैरामीटर है, प्राइमरी पैरामीटर है। तो ये टीडी हो गया, और इस टीडी को अप्रोक्सीमेटली लिखना चाहें तो इस वैल्यू को 0.7 भी लिखा जा सकता है। तो टीडी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 0.7 इंटू टी, एकदम एक्यूरेट के लिए ये है, ऑब्जेक्टिव के लिए इसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये, और ये जो टी है इसको मैंने लिख दिया है प्राइमरी पैरामीटर। तो ये सारा कुछ नोट्स में अपने लिखिए। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे साइड में, ये बनाएंगे, ये डिफिनेशन लिखने के बाद इसी डिफिनेशन के नीचे ये सारी चीजें यहां तक आपको लिखना है। सो इसमें थर्ड देखते हैं, राइज टाइम, थर्ड पॉइंट राइज टाइम। अब ये ध्यान समझिएगा, जो राइज टाइम है वो मेनली स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स की एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं। तो राइज टाइम ब्रैकेट में लिख लीजिए फॉर स्पीड ऑफ
रिस्पॉन्स, और मैंने बताया है कि राइज टाइम क्या होगा, वो ग्राफ में 10 to 90% जाने के लिए वो जितना टाइम लेगा उसको बोलते हैं राइज टाइम। तो डिफिनेशन लिखिए, टाइम टेकन बाई स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम टू रीच टू 90% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 10%। 10% से 90% तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, राइज टाइम। अब ध्यान समझिए, ये जो डिफिनेशन है वो सिस्टम टू सिस्टम चेंज होगी। जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ रहे हैं, सेकंड ऑर्डर के लिए 0 to 100% बोला जाता है, तो ये हमेशा स्टिक नहीं रहिएगा इसी डिफिनेशन के ऊपर कि 10 to 90, सिस्टम टू सिस्टम चेंज हो जाएगी डिफिनेशन। हाँ, अब देखिए, एट टी इक्वल टू टी वन मैं कैलकुलेट करता हूँ, टी इक्वल टू टी टू और राइज टाइम कैलकुलेट कर लूंगा। तो सी टी इक्वल टू 10% ऑफ वन, ये हम सपोज टी वन पे है, तो सी टी इक्वल टू 10% ऑफ वन, तो यहाँ से इसको इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 1 - e^-t1/t और 10% ऑफ 1 0.1, और ये कैलकुलेट करेंगे तो t1 इक्वल टू आ गया अपने पास 0.1t। ऐसे दूसरे टाइम पे जहाँ पर 90% तक पहुँच रहे हैं उस समय ct इक्वल टू 90% ऑफ 1, और ये वही चीज़ है 1 - e^-t2, यहाँ पर -t1 और यहाँ पर -t2 अपॉन कैपिटल t इक्वल टू 0.9, और इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से t2 निकालेंगे 0.23 आएगा। तो राइज टाइम उन दोनों के बीच का टाइम 90 और 10 के बीच का, तो टी आर राइज टाइम इक्वल टू t2 - t1, और कैलकुलेट करें कितना आएगा, टी आर इक्वल टू 0.22t। तो ये मेरी किसकी वैल्यू है, राइज टाइम के लिए। ध्यान से ये इसमें ध्यान रखना है कि जो राइज टाइम की डिफिनेशन है ऑलवेज 10 to 90% नहीं होती, सिस्टम टू सिस्टम चेंज हो जाती है। हाँ, वो सिस्टम जो स्लगिश रिस्पॉन्स देते हैं उनके लिए 10 to 90% यूज किया जा सकता है, और फर्स्ट ऑर्डर के सिस्टम स्लगिश रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे तो 10 to 90% यूज करेंगे। जैसे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए अगर आप स्टेप रिस्पॉन्स बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, तो बहुत ही पहले 0 to 100% को राइज टाइम बोल दिया जाता है। तो सिस्टम टू सिस्टम चेंज होती है डिफिनेशन, किसकी, राइज टाइम की। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, सेटलिंग टाइम। सो फोर्थ लिखिए सेटलिंग टाइम, ध्यान समझिए, सेटलिंग टाइम वो टाइम होता है जहां पर ट्रांजिएंट क्या होगा, जिस टाइम पर ट्रांजिएंट डाइड आउट होगी और सिस्टम स्टेडी स्टेट में एंटर करेगा। और मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि कोई भी सिस्टम स्टेडी स्टेट में एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे पहुंचेगा थ्योरेटिकली, आप पहला लेक्चर देखेंगे तो वहां पर समझ में आएगा। हाँ, तो उसमें ये डिफिनेशन लिखिए सेटलिंग टाइम के अंदर, थ्योरेटिकली सेटलिंग टाइम इज द टाइम टेकन बाई स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम टू रीच एंड टू स्टे विथ 100% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। और इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए, एट टी इक्वल टू टी एस पे जो सी टी इक्वल टू 100% ऑफ 1, और यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 1 - e^-ts/t = 1, और ये आ जाएगा। इसके बाद देखिए, जब ts इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये जीरो होगा, तो मतलब यहां पर सेटलिंग टाइम कितना रहा थ्योरेटिकली इनफाइनाइट, और ये आना भी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम देख रहे हैं, और फर्स्ट ऑर्डर में जब इंपल्स रिस्पॉन्स बनाया था तो वहां पर ट्रांजिएंट जो हो रही थी वो डाइड आउट हो रहा था, कहां पर, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे, और जब ट्रांजिएंट डाइड आउट होगा तब उसके बाद जाके स्टडी स्टेट आएगी, और जहां पर ट्रांजिएंट डाइड आउट होकर सिस्टम स्टडी स्टेट में इंटर करता है उसको बोलते हैं सेटलिंग टाइम। तो यहां पर कॉन्सेप्चुअली मैंने बताया कहां पर, इनफाइनाइट पे ट्रांजिएंट डाइड आउट हो रहा था, तो इनफाइनाइट क्या हो गई मेरी, सेटलिंग टाइम। और मैथमेटिकली कैलकुलेट किया तो यहां पर भी सेटलिंग टाइम कितना हो गया, टी एस इक्वल टू इनफाइनाइट। अब ध्यान से समझिए, ये टाइम मैं कंसीडर कर रहा हूं और यहां पर रिस्पॉन्स देखा जा रहा है, तो ये आप लिखने के बाद इसके नीचे ये सारी चीजें लिखेंगे। तो देखिए, टाइम 1t जब मैंने लिया था t इक्वल टू कैपिटल t, उस समय जो रिस्पॉन्स आया था, ct की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उस समय जो रिस्पॉन्स आया था वो 63% आया था। मैं 2t लूंगा तो 86% आएगा, 3t लूंगा तो कितना आएगा, 95%, 4t 98, 5t 99.100, एंड जब इनफाइनाइट t लूंगा तो वहां पर क्या होगा, 100%। तो इनफाइनाइट t पर 100% रिस्पॉन्स आएगा, मतलब इनफाइनाइट टाइम पे क्या रहा है मेरा,
स्टडी स्टेट आएगी। तो यहां पर ध्यान से समझिए, ये लिखने के बाद ये लिखिए साइड में, प्रोग्रेस इन द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, यहां तक लिख लीजिए साइड में। ये जो मैंने ये टेबल बनाया है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोग्रेस इन द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर इंटीजर मल्टीपल ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट। ये लिखने के बाद अब ध्यान से समझिए, एक्चुअल में जो सेटलिंग टाइम आ रहा है वो t इक्वल टू इन्फानाइट पे आ रहा है, बट लिसन, सेटलिंग टाइम फिक्स नहीं होता, सेटलिंग टाइम यूजर के चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आप मार्केट में कोई कंपोनेंट लेने जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ टॉलरेंस स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि इतना टॉलरेंस आएगा तो हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अपने कंट्रोल सिस्टम में यहां पर देखिए 100% जो रिस्पॉन्स है वो इनफाइनाइट टाइम पे आ रहा है, लेकिन हम यहां पर 2% टॉलरेंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंट्रोल सिस्टम में 2% टॉलरेंस को एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब हम मान लेंगे 90% रिस्पॉन्स आ गया तो मान लेंगे कि 100% रिस्पॉन्स आ गया, और वहीं पे मान लेंगे ये हमारा सेटलिंग टाइम है। तो कंट्रोल सिस्टम में 4T कंसीडर एज अ क्या सेटलिंग टाइम, और उस समय रिस्पॉन्स कितना होगा 98%। तो TS इक्वल टू 4T होगा हमारे कंट्रोल सिस्टम में। तो ये मेरी थ्योरेटिकल डिफिनेशन थी, प्रैक्टिकल डिफिनेशन यहां पर मैं लिखा हूं, ध्यान समझिए कि अपने कंट्रोल सिस्टम में 2% टॉलरेंस को एक्सेप्ट करता हूं, बट अगर जनरली बोलूं तो हम टॉलरेंस कोई टॉलरेंस बैंड एक्सेप्ट कर लेंगे और बोल दें कि इतना टॉलरेंस हमारे लिए सही है। तो उस केस में लिखिए, प्रैक्टिकली सेटलिंग टाइम इज द टाइम टेकन बाई स्टेप रिस्पॉन्स टू रीच टू स्टे विथ ए स्पेसिफाइड टॉलरेंस बैंड, टॉलरेंस बैंड स्पेसिफाइड कर दिया जाए किसके द्वारा, यूजर के द्वारा, और यूजली कितना 2%, तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा यूजली 2%। ये यूजर अगर एग्जाम में कभी आ गया 4% 5% सपोज, उस समय सेटलिंग टाइम कितना यूज करेंगे 3T, 5% यहां पर टोटल 95% रिस्पॉन्स आया सिस्टम में, तो हम उस समय कंसिडर कर लेंगे 100%। तो उस समय 95 पे 3T, तो ये टेबल आप याद कर सकते हैं। ईएस एग्जामिनेशन में कभी बोल देता है कि इतनी टॉलरेंस है 5%, तो उस समय सेटलिंग टाइम बताइए, तो 3 एंड T। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं कि R और C की वैल्यू रहती है उस समय, 5% टॉलरेंस पे आपको सेटलिंग टाइम बताना होता है, तो 3 और टी आर इंटू सी, तो 3R की वैल्यू एंड C की वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सो प्रैक्टिकल डिफिनेशन लिखने के बाद एक चीज और इसमें नीचे लिख लीजिए, डिफॉल्ट टॉलरेंस जो है 2% कंसिडर करेंगे, hence, जो सेटलिंग टाइम होगा वो 4T कंसिडर किया जाता है। अपने कंट्रोल सिस्टम में डिफॉल्ट टॉलरेंस 2% कंसीडर की जाती है, तो उस समय सेटलिंग टाइम जो है डिफॉल्ट वो 4T, और ये जो 4T सेटलिंग टाइम है वो डिफॉल्ट फॉर एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर के लिए यूज किया जाता है। जैसे सेकंड ऑर्डर के लिए t इक्वल टू 1/ζωn होता है, तो यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दिया जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया सेटलिंग टाइम के लिए। एक नोट लिखिए इसमें, नोट, सेटलिंग टाइम इज नॉट फिक्स, इट इज बेस्ड ऑन टॉलरेंस स्पेसिफाइड बाई यूजर, इट इज बेस्ड ऑन टॉलरेंस स्पेसिफाइड बाई यूजर, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फिफ्थ नंबर, स्टडी स्टेट एरर, फिफ्थ नंबर हेडिंग डालिए स्टडी स्टेट एरर। तो स्टडी स्टेट एरर क्या है, वो एरर जब हम कहाँ पहुँचेंगे स्टडी स्टेट में, तो जो एक्चुअल आउटपुट होगा और जो डिजायर्ड आउटपुट था उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वही एरर होगी। तो इसमें लिखिए स्टडी स्टेट एरर, देखिए ये जो स्टडी स्टेट एरर है वो एम्पलीट्यूड पैरामीटर है, मतलब ये एम्पलीट्यूड के बीच में डील करता है। तो इसमें लिखिए डिफिनेशन, स्टडी स्टेट एरर इज डिफरेंस बिटवीन द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स इन द स्टडी स्टेट। और स्टडी स्टेट कब आती है, जब ट्रांजिएंट डाइड आउट हो जाएगा और क्या नाम है उसके बाद सिस्टम इंटर करेगा स्टडी स्टेट में, और वहां पर जो टाइम होता है उस टाइम को, मतलब दोनों स्टेट के बीच में जो टाइम आता है, जो पॉइंट आता है, उसको क्या बोलते हैं, जो दोनों टाइम जहां पर ट्रांजिएंट क्या हो गई डाइड आउट,
एंड डाइड आउट होने के बाद सिस्टम कहाँ इंटर किया, स्टेडी स्टेट में। तो वो जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, सेटलिंग टाइम, वही हमने देखा था। तो ये डिफिनेशन लिख लीजिए। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए एरर जो होगी वो आरटी मतलब मेरा क्या है डिजायर्ड आउटपुट, और सीटी एक्चुअल आउटपुट, इन दोनों को डिफरेंस निकालेंगे। तो आरटी यूटी है और सीटी हमने ये निकाला था। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा ईटी इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस टी बाई कैपिटल टी यूटी। अब स्टडी स्टेट एरर निकालनी है तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम पे कितनी एरर होगी, क्यों थ्योरेटिकली तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे ही स्टडी स्टेट एरर आ रही है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं, 2% टॉलरेंस देखा जा रहा है। तो थ्योरेटिकली हम कैलकुलेट करें लिमिट टी टेंड टू इन्फिनिटी ई टी, अब ई टी की वैल्यू पुट कर देंगे और टी इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करेंगे यहां पर तो आ जाएगी वैल्यू 0। तो सही है, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे एरर 0 होगी, उसके पहले एरर होगा, कुछ ना कुछ एरर होगा। और हम अपने कंट्रोल सिस्टम में प्रैक्टिकली कितना टॉलरेंस कंसिडर करेंगे, 2%। सो आज के लेक्चर में यहीं तक, नेक्स्ट अगले लेक्चर में देखते हैं।